और अब बात करते हैं प्याज की। संसद में भी ये मुद्दा उठा है और उसके आसमान छूते दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। देश के कई शहरों में प्याज की कीमत 120 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। संसद में ये कल मुद्दा भी उठा है और आज भी इस पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब के गढ़ी यानी महाराष्ट्र के नासिक में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। नासिक के लासल गांव और पिंपल गांव मार्केट में प्याज की थोक कीमत 13,300 रुपए प्रति क्विंटल पहुंची। इस मंडी में अब तक की ये सबसे महंगी प्याज है। हैदराबाद के बाजार में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं। हैदराबाद में प्याज की कीमत 150 रुपए तक पहुंच चुकी है और बिहार का भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। राजधानी पटना की बात करें तो प्याज 100 रुपए के पार चला गया है। थोक और खुदरा बाजार में प्याज की बढ़ी कीमतों के चलते बिक्री पर खासा असर पड़ा है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भोपाल में भी प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। देश के बाकी जगहों की तरह यहां भी प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार है। ओखला की प्याज मंडी में भीड़भाड़ की जगह सन्नाटा पसरा है। हाल के दिनों में प्याज की कीमतें बढ़ने से प्याज के व्यापारी से लेकर खरीदार तक परेशान हैं। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में प्याज के फुटकर दाम 100 रुपए से पार हो गए हैं। प्याज की कीमतों पर अगर नजर डालें तो कोलकाता में 100 से 120, दिल्ली में 60 से 100, चंडीगढ़ में 80 से 100, बेंगलुरु में 80 से 100, लखनऊ में 80 से 90 और मुंबई में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। आसमान छू रहा है, क्या करें, फुटकर तो 100 रुपए किलो से कम कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ कम से कम 80 रुपए तो है। नहीं, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है प्याज खरीदने। क्या करें, लोग नॉन वेज खाते हैं, हम प्याज भी ना खाएं, जो थोड़ा बहुत होता है लगा के खा लेते हैं। ओखला मंडी में प्याज 80 रुपए किलो है, लेकिन फुटकर में 120 और 130 रुपए में प्याज बिक रहा है। प्याज के बाजार में सबसे कीमती अफगानिस्तान का ये प्याज है। इसकी कीमत थोक बाजार में 100 रुपए किलो है। एक प्याज ये आप दिखा रहे थे, ये आप देखिए प्याज आधा किलो नेट, एक ही प्याज जो है 50 रुपए का हो। जी जी, एक प्याज आपको 50 रुपए में पड़ रही है। अच्छा, तो ये आप देखिए कि ये जो प्याज है ये 50 रुपए में एक प्याज आपको मिलेगा। 90 रुपए किलो है। 90 रुपए किलो प्याज। जी जी। और जब यही प्याज फुटकर बाजार में जाता है तब जी सर 120 रुपए तो कम से कम बेचेगा आदमी, 100-120 तो बेचेगा ही। क्यों महंगा है प्याज? ये बारिश से, जो बारिश हुई सारा फसल लोगों की खराब हो गई, किसानों की। अच्छा। खेतों में फसल है नहीं, सौदा है नहीं, तो महंगाई तो अपने आप आएगी। गुजरात और राजस्थान में बारिश के चलते प्याज की फसल खराब हो गई, इसी के चलते प्याज के दामों में उछाल आ गया है। हालांकि सरकार इजिप्ट से करीब 6,900 टन प्याज आयात कर रही है। ये प्याज 12 दिसंबर तक भारत पहुंचेगा, तभी प्याज के दाम घटने के आसार हैं। नई दिल्ली से रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।